कैप्शन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस अलर्ट। तवी से किया गया एक व्यक्ति को रेस्क्यू SDRF और स्थानीय लोगों द्वारा। हालांकि हिदायतें साफ तौर पर दी गई थी कुछ दिनों पहले, ये साफ कर दिया गया था कि आप चाहे तवी हो, चनाब दरिया हो या कहीं पर भी पानी हो, उसके आसपास आप मत जाइए, क्योंकि लगातार मूसलाधार बारिश जो है वो 3 दिन के लिए बताई गई थी। आज दूसरा दिन है और कल तीसरा दिन होगा, और ये लोगों को कहा गया था कि आप जो हैं पानी वाली जगह के इर्द गिर्द ना जाइए, अपने आप का बचाव कीजिए और अपना ख्याल रखिए। और एक हफ्ते पहले ही ऑरेंज जोन में तब्दील कर दिया गया था जम्मू को, क्योंकि अभी भी आप देखिए इस समय हम खड़े हैं विक्रम चौक में, मेरे पीछे का नज़ारा अभी भी आप देख सकते हैं किस तरीके से जल बहाव बहुत तेज़ है, बारिश का मौसम चल रहा है, मानसून चल रहा है, और ये हिदायतें दी गई थी कि इसके आसपास कोई भी ना जाइए। अभी से कुछ देर पहले, मैं आधे घंटे पहले की बात करूं, तो यहाँ पर SDRF की टीम थी, यहाँ पर स्थानीय लोग थे जिन्होंने एक व्यक्ति को रेस्क्यू किया है। बिल्कुल बिल्कुल जहाँ हम खड़े हैं इसके बिल्कुल नीचे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जल स्तर का बहाव कितना तेज़ होगा, जूम करके आपको बताएंगे। काफ़ी ज़्यादा जो बहाव है पानी का तेज़ है, लगातार पीछे हम बात करें कटरा, उधमपुर, रियासी, इस जगह लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। कल शाम की बात करें, आज रात की बात करें, पूरी रात जम्मू की अगर बात करें तो अधिकांश इलाकों में जो है बारिश काफ़ी तेज़ थी, लेकिन जो हिदायतें सरकार द्वारा दी गई थी कि प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, बिना मतलब बाहर नहीं निकलिए, यही वो जगह है जहाँ पर SDRF की टीम यहाँ पर पहुँची थी कुछ देर पहले, और साथ ही साथ स्थानीय लोग भी यहाँ पर मौजूद थे, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद थे, और SDRF और स्थानीय लोगों की मदद से जो है उस व्यक्ति को निकाला गया। और अभी तक जो जानकारी मिली है उस व्यक्ति की, वो वेयर हाउस में कहीं पर काम करता था और वो इसी तवी नदी के साइड पे किनारे में बैठा था, जैसे पानी का बहाव तेज़ हुआ तो उसको जो है घबरा सा गया, एक साइड पर जो है पुल के नीचे वो शेल्टर करके बैठा था, लेकिन जिस तरीके से बारिशें लगातार पीछे इलाकों पर हो रही है उस बारिश के कारण यहाँ पर तवी का जो जल स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और उसके बाद जब SDRF की टीम और लोकल लोगों ने उसको एक जॉइंट ऑपरेशन के तहत उसको निकाला गया, ऊपर से एक रस्सा जो है वो नीचे की तरफ फेंका गया, और उसके साथ साथ जो है उस व्यक्ति को रस्से की मदद से और स्थानीय लोग जो है वो अंदर तक गए, जो लोकल लोग हैं उनको अच्छे तरीके से जो है तैराकी वो जानते थे और अंदर गए, उस व्यक्ति को बाहर निकालने में जो है सक्षम हुए। हम फिर से अपने चैनल के माध्यम से यही कहेंगे कि कृपया करके आप इस तरीके से रिस्क जो है वो ना उठाइए, और पानी वाली जगहों पर, चाहे वो चनाब दरिया की बात करें, चाहे वो हम तवी नदी की बात करें या जित नहर की बात करें, कहीं पर बच जाइए, क्योंकि एक नॉर्मल तरीके से जब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिस तरीके से पानी का बहाव रहता है वैसा बारिशों में नहीं रहता, और आए दिन इस तरह के बड़े हादसे जो ना हो उसको मद्देनज़र रखते हुए सरकार द्वारा ये साफ सचेत कर दिया गया था तमाम लोगों को कि आप चाहे नहर हो, तवी हो या फिर चनाब दरिया हो, वहाँ पर आप ना जाइए, अपने आप को जो है वो सेफ रखिए, और बढ़ती बारिशों के मद्देनज़र रखते हुए बाढ़ जैसी स्थिति जो है वो कई इलाकों में ज़रूर आएगी, और इस चीज़ को लेकर अलर्ट कर दिया गया था, इसीलिए जम्मू को भी जो है ऑरेंज अलर्ट में रख दिया गया था। और बात करें पीर पंजाल की या फिर श्रीनगर के कई इलाकों की, जम्मू के कई इलाकों की, तो बारिशें लगातार बताई गई हैं, और कल जिसका तीसरा दिन है, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि वो क्या करने गया था तवी में, ये भी सवाल है कि आखिरकार वो तवी में ये जानते हुए क्या करने गया था। मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊंगा, कुछ तबका ऐसा होता है, चाहे वो लेबर तबका हो, वो लोग इतना शायद अखबार नहीं पढ़ते या फिर एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल नहीं करते, फेसबुक का इस्तेमाल नहीं करते, शायद उनको इस बारे में जानकारी नहीं हो, लेकिन ये कोई बहाना नहीं है किसी को जानकारी है या नहीं है, ये जाहिर सी बात है कि ये आम सी बात है, जाहिर सी बात है कि आप तमाम लोग जानते हैं कि बारिशों की अगर बात करें तो ये जो इलाका है खास तौर पर तवी की बात करें, चनाब दरिया की बात करें, यहाँ पर पानी बढ़ना ही बढ़ना है। कल शाम की बात करें तो पानी का बहाव थोड़ा कम था, अभी पानी का बहाव भी तेज़ है और धीरे धीरे तवी का जो है जल स्तर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पिछले जितने भी एरियाज आते हैं, रियासी की बात करें, उधमपुर की बात करें, कटरा की बात करें, इन तमाम जगहों पर जो है काफ़ी तेज़ मूसलाधार बारिश जो है वो कल से हो रही है, और जम्मू के भी अधिकांश इलाकों में बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है। हम फिर भी अपने चैनल के माध्यम से यही कहेंगे कि कृपया कर ये बेवकूफ़ी मत कीजिए, अपनी जान को जोखिम में मत डालिए, और अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, बिना मतलब बेवजह जो है
आप अपने लिए टेंशन जो क्रिएट ना कीजिए, अपने परिवार के लिए टेंशन क्रिएट मत कीजिए। अभी भी लोग आ जा रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। जब इस तरीके से कोई चीज़ सामने आती है तो जाहिर सी बात है, अलर्ट करने के बाद भी, सरकार के आदेशों के बाद भी कुछ लोग अगर ऐसा करते हैं, अपनी जान को जोखिम में डालते हैं, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी मानी जाती है। तो ऐसा मत कीजिए। एक बार दोबारा से अपने चैनल के माध्यम से मैं सबको यही बताना चाहता हूँ कि कृपया करके जो ऑर्डर्स दिए गए हैं उसका पालन कीजिए, और कोशिश करते हैं थोड़ा सा एंड करने से पहले थोड़ा और आपको आगे ले जाएं, क्योंकि कुछ लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको भी मैं कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि अगर कोई सुन रहा है तो कृपया करके ऐसा मत कीजिए, अपनी ज़िंदगी साथ खिलवाड़ मत कीजिए। पानी का भाव जो है वो तेज़ है, और आए दिन बरसातों में इस तरह का देखने को मिलता है, और जिसकी चेतावनी जो है, जिसकी चेतावनी सरकार द्वारा पहले ही कर दी गई थी, और ये कहा गया था कि आप इस तरीके से बेमतलब बिना वजह पानी वाले इलाके के आसपास नज़र नहीं आइए, अपनी जान को जोखिम में न डालिए। काफ़ी ज़्यादा तेज़ बहाव है, और जिस स्पॉट पर हम खड़े हैं बिल्कुल इसी स्पॉट पर जो है उस व्यक्ति को रेस्क्यू किया गया। और मैं एक बार बताना चाहूँगा, नीचे तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें आप देखिए, ये पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ है। हमारा प्रयास ही रहता है कि आपको अपडेट पल पल की जानकारी जो दी जाए, लेकिन आप अपना ख्याल रखिए, और बिना मतलब बेवजह चिनाब दरिया, तवी नदी या फिर नहर के पास नहीं जाइए। जुड़े बसेस के साथ श्याम जी सा राहुल खत्री, बाहु एक्सेस के लिए।